अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं यूएसए में रहती हूँ और स्टेट कैलिफोर्निया है। तो यहाँ पर अभी मैं एनाहाइम में आई हुई हूँ। एनाहाइम इज़ द सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग अरबी लोग रहते हैं और हलाल मार्केट्स होती हैं, हलाल रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो मैं इस वक्त ग्रोज़री करने के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलें हम साथ में ग्रोज़री करते हैं। तो वैसे तो ग्रोज़री स्टोर्स हमारे घर के भी बहुत पास में काफ़ी सारे हैं। तो ये देखें, ये डेट्स हैं और हमारे घर के पास में भी हैं काफ़ी सारे। तो लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर हलाल मीट नहीं मिलता है। बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें तो मिल जाती हैं, तो हलाल मीट नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें एनाहाइम आना पड़ता है और ये हार्वेस्ट मार्केट है और एनाहाइम आना पड़ता है। और यहाँ पर इजीली आपको हलाल मीट मिल जाता है। तो ये अबाउट 25-30 मिनट्स की ड्राइव है मेरे घर से। और ये इतना मज़े का इनका मीट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मज़ा सबसे ज़्यादा मुझे उस वक्त आता है। और ये टमाटोज़ देखें कितने मज़े के लग रहे हैं इस टाइम इतने। और ये केले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बेशक होते हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, लेकिन जो मीठे और जो टेस्ट इनका पाकिस्तान में होता है ना। और ये एवोकाडो मैं पाकिस्तान जब गई थी तो मैंने सोचा था डिप बनाऊं, तो मुझे हाइपर स्टार से ये एवोकाडो दो मिले थे और 2700 रुपये के मिले थे, 2700 के मिले थे। और ये देखें ये धनिया जो कि हमें आलू और टमाटर के साथ फ्री में पाकिस्तान में मिलता है, यहाँ पर हमें पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये धनिया बहुत VIP है, इसके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और ये मैरिनेटेड चिकन, मैरिनेटेड बीफ, मैरिनेटेड मीट है। तो जिन लोगों के पास जिन लोगों को शौक़ नहीं है खाना पकाने का, सॉरी शौक नहीं मैं कहूँगी कि जो इजी लाइफ चाहते हैं वो आराम से ये मैरिनेटेड मीट ले सकते हैं यहाँ पर। तो शुरू में मैं भी बहुत लेती थी, लेकिन खैर अभी तो लेना छोड़ दिया है तो इस वजह से। लेकिन लगता बहुत प्यारा है, बहुत मज़े का होता है। और जस्ट बेक करें और फ्राई करें तो और ये देखें। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको अभी बताती हूँ ये कि हलाल मीट जो है आप कहीं से भी लें वो आपको महंगा मिलेगा, जबकि हराम जो है वो इतना सस्ता लगा होता है कि बहुत ही हमें देख के हो रहा है कि इसमें ऐसा क्या है जो इतना हराम इतना सस्ता है और हलाल महंगा है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो हलाल चाहिए तो हम पैसे स्पेंड कर लेते हैं, इट्स ओके। अच्छा, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैकडोनल्ड वगैरह में बर्गर्स लगे होते हैं, ये सी फूड है यहाँ, क्रैब, प्रॉन्स और फिश और सब तरह का आप इजीली ले सकते हैं सी फूड। तो वैसे तो सी फूड आपको हर जगह से ही हलाल मिल जाएगा, ये तो होता ही हलाल है। तो मीट का मतलब, तो ये पार्ट देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हाइपर स्टार में आ गई हूँ। और ये गोलगप्पे, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, यहाँ पर बॉक्सेस में आते हैं और मेरी बेटी एक टाइम में बैठ के आराम से एक बॉक्स खा लेती है। और ये यहाँ पर ज़्यादातर ये अरबियों की डिशेज़ हैं। ये जलेबी देखने में लग रही है, लेकिन खाने में बिल्कुल जलेबी जैसा टेस्ट नहीं है, ये कुनाफा। और जो लोग डाइटिंग पर हैं, डाइट करना चाहते हैं, वो उसको देखते ही मीठे को देखते ही इतना मीठा होता है कि वो उनकी डाइट यानी कि वो मोटे हो जाएंगे, इतना मीठा होता है। ये केक्स इतने प्यारे लग रहे हैं। वैसे तो मैंने ये केक्स कभी ट्राई नहीं किए यहाँ के, मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम कभी लेके चलूँगी। हम लोगों के घर के पास है पोर्टोज़ बेकरी, उनके केक्स इतने मज़े के होते हैं कि बहुत मज़ेदार, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। अब हम लोगों ने ग्रोसरी कर ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।